दर्शकों, आपका हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सर्वप्रथम आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई नई जानकारी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, उस जानकारी से आप अवगत हो जाएं। दर्शकों, आज मैं उन जातकों के लिए एक उपाय लेकर आया हूं जो शत्रुओं से परेशान हैं। शत्रुओं का हमला उनको सुबह शाम 12 बजे यानी जदर जाते हैं, उधर शत्रु ही शत्रु हैं। अब एक शत्रु हो तो लड़ें, हजार शत्रु हो तो क्या करें, तो फिर तो परास्त होना पड़ता है। इसलिए आप मैं उन शत्रुओं को शांत करने का उपाय लेकर आया हूं जो उपाय आपको उत्पन्ना एकादशी के दिन करना है। उत्पन्ना एकादशी एकादशी माता के प्रागट्य का दिन है, उनकी जन्म तिथि है। इस दिन अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं और नियम पूर्वक एकादशी व्रत इस दिन से प्रारंभ करके अगर आप 24 एकादशी व्रत करते हैं तो निश्चय मानिए कि धीरे धीरे आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। लेकिन यह नियम पूर्वक सभी से संभव नहीं है, इसलिए मैं आज एक अचूक चमत्कारी उपाय लेकर आया हूं जो एक बार किया सदा सदा के लिए काम आए। दर्शकों, इस उपाय को उत्पन्ना एकादशी के दिन करना है। आप एक 10 मुखी रुद्राक्ष की व्यवस्था कर लें, उसे लाल माला में लाल धागे में गूंथ कर गले में धारण करने के लायक बनाकर आप उसे गंगाजल से पवित्र करें, पंचामृत से स्नान कराकर पुनः गंगाजल से पवित्र करें और जहां भी नारायण की पूजा आप करते हैं एकादशी व्रत के दिन, उस दिन उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत रखें। नारायण की पूजा करने के समय नारायण के चरण कमलों में इस रुद्राक्ष की माला को आप रखकर तीव्र गंध की चंदन की अगरबत्ती और शुद्ध देशी घी का दीपक और केसर युक्त खीर का भोग लगाएं और ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का एक माला जाप करें। उसके बाद श्री नारायण से अपने समस्त शत्रुओं को शांत करने का निवेदन करते हुए ये 10 मुखी रुद्राक्ष आप अपने गले में धारण कर लें। जब तक आपके गले में ये रुद्राक्ष रहेगा तब तक आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और जिधर जाइएगा वहां आपको मैत्री भाव से लोग बात करेंगे और धीरे धीरे आपकी जितनी शत्रुता थी वो खत्म हो जाएगी। कभी भी ईश्वर से शत्रु को समाप्त करने की का निवेदन नहीं करना चाहिए। जब भी आप निवेदन करें तो शत्रु के शांत होने का निवेदन करें, ताकि शत्रु का उसमें कुछ नुकसान भी नहीं है और अपना भी कुछ नुकसान नहीं है। अपना कल्याण हो जाता है, शत्रुता खत्म हो जाएगी और उनका भी कल्याण हो जाएगा, उनका भी एक दुश्मन जो हम बने हुए हैं वो उनका खत्म हो जाएगा। इसलिए शत्रुता का नाश करने की का ही निवेदन करना चाहिए, कभी भी शत्रु के नाश का निवेदन ईश्वर से नहीं कीजिए, नहीं तो उल्टा पड़ता है। दर्शकों, आप इस उपाय को करके शत्रुओं से अपनी रक्षा करें। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री नारायण, जय जय लक्ष्मी नारायण।